पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी पीपी 169 का वाहदत रोड पर एहतजाज। मुजाहिदीन के हुकूमत मुखालिफ और पेट्रोल कीमतें कम करने के नारे। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच कहते हैं, आज भी जुल्म का निज़ाम है, आम आदमी को हकूक नहीं मिल रहे। हुकूमत के 100 दिन महंगाई के 100 दिन साबित हुए हैं। चेयरमैन कबीना कमेटी ब्राय अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक का महकमे दाखिले के मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। महरमुल हराम के हवाले से कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, सुबह भर के मजालिस और जुलूसों की कंट्रोल रूम के जरिए मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम डिवीज में जाकर हुकूमत पंजाब की जानिब से तहान बैन अलमुस्लिमीन का पैगाम पहुँचाया है। तमाम जुलूसों के रूट्स पर हज़ारों की तादाद में पुलिस से इनकार फराइज अंजाम देंगे। पूरी कोशिश है मुहर्रमुल हराम खैरियत से उतरे। और महकमे स्कूल एजुकेशन ने स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी कर दिया। अगस्त में स्कूल्स में टेबल टेनिस, सितंबर में वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेली जाएगी। अक्टूबर में फुटबॉल, रेस्लिंग, कराटे और इंटर स्कूल मुकाबले होंगे। नवंबर में क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स और इंटर तहसील मुकाबले शेड्यूल। दिसंबर में फुटबॉल, हॉकी और डिवीजनल लेवल पर मुकाबले। जनवरी में बॉक्सिंग, कराटे और सालाना स्पोर्ट्स गाला। फरवरी में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, टिंग ऑफ वार के मुकाबले होंगे। मार्च में हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स। अप्रैल में टेबल टेनिस और बैडमिंटन के मुकाबले होंगे।